हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा उतरन एपिसोड के। तो एपिसोड में जो दिखाया जाएगा जो विष्णु जो होता है वह तो अपना पश्चाताप कर रहा होता है, क्योंकि वह अपना हाथ पटक रहा होता है और वह कहने लगता है कि जो है हमने यह हाथ जो है आकाश के ऊपर उठाया है, क्योंकि मानव की खातिर हमने जो है रिश्तों में दरार डाल दी है। तभी वहाँ पर घर वाले उसको समझाते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करे। तभी वहाँ पर उसकी नानी जो होती है वह कहने लगती है सही कर रहे हैं, क्योंकि मानव को अपने पश्चाताप की चिंता है और फिक्र है। तभी तो जो दिखाया जाएगा उसकी नानी जो होती है वह बहुत भला बुरा कहने लगती है कि आखिरकार रानी को देने से मीठी और आकाश ने दोनों ने ही मना कर दिया। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वह मुक्ता को लेकर वहाँ से चली आती है। तभी यहाँ पर जो उसकी अन्नी होती है वह कहने लगती है कि जो है तुम आप जो है घी में आग में जो है घी डालने का काम मत करो। तभी तो जो दिखाया जाएगा जो आखिरकार इधर उसकी नानी जो होती है वह कहने लगती है कि मुक्ता को जो है उसने थप्पड़ मारा है, क्योंकि उसको उसके लिए वो कुछ भी नहीं मानो के लिए, क्योंकि जो है वह रानी को बचाने के लिए उसने मुक्ता को थप्पड़ मार दिया। तभी तो जो दिखाया जाएगा जो उसकी अन्नी जो होती है वह कहने लगती है यह झूठ है, सरासर झूठ है, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। तभी तो जो दिखाया जाएगा जो मुक्ता जो होती है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वह रोकर कहने लगती है कि हाँ यह सच है, क्योंकि नानी जो झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसने हमको थप्पड़ मारा है, क्योंकि उस मरानी की खातिर, क्योंकि मानव जो है कुछ भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि वह कहने लगती है कि हम जो है मानव के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तभी यहाँ पर उसकी नानी जो होती है वह कहने लगती है कि इसका परिवार ऐसा है ही है, क्योंकि दामिनी का परिवार ऐसा ही है, क्योंकि इसने तो देखो अपने उसके खातिर पश्चाताप करने की खातिर जो है अपने हाथ पटक रहा है। तभी इधर दिखाया जाएगा जो मीठी जो होती है वह सोचने लगते हैं मुक्ता के बारे में और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी कोख जो है सोनी सोनी रहेगी। तभी तो दिखाया जाएगा जो मीठी जो होती है वह अपने हाथों को देखने लगती है और वह भी पश्चाताप करने के लिए भी अपने हाथों को पटकने लगती है। तभी तो जो दिखाया जाएगा जो आकाश जो होता है वह देख लेता है और वह कहने लगता है कि आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, क्योंकि तभी वहाँ पर मीठी जो कहने लगती है कि मैंने जो है मुक्ता के ऊपर हाथ उठाया। तभी इधर जो रानी जो आती है वह कहने लगती है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वह कहने लगती है कि हमको तुमने रोक के लिया था, नहीं तो हम मानो को छुड़ा कर लेकर आते। तभी इधर जो उसकी माँ भी जो होती है वह भी यह सबको देख रही होती है कि क्या चल रहा है घर में। तभी वहाँ पर उसकी माँ यह कहने लगती है कि यह सब कुछ रानी की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अगर यह ना आती तो इस घर में कुछ भी ना होता, दंगा फसाद कुछ भी ना होता। तभी इधर जो दिखाया जाएगा जो मीठी जो होती है वह कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतनी छोटी हो तुम कहाँ जाओगी उसको बचाने के लिए। तभी वहाँ पर उसको मनाने के लिए वह से चली जाती है। तभी इसके इधर जो दिखाया जाए जो जाएगा जो आकाश कहने लगता है कि अब एक ही चाह रहा है, क्योंकि जो है आप जो है रानी को सौंप दोगे तभी जो है मानव को बचा पाएंगे। तभी उसकी माँ जो होती है वह गुस्सा करके चली जाती है। इधर जो दिखाया जाएगा जो विष्णु कश्यप जो होता है तो उसके घर पे पुलिस आती है तो उसका फ़ोन ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते सभी लोग। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी उसका साथ दे रहे होते। तभी वहाँ पर लोकेशन एग्जैक्ट पता करने की कोशिश कर रहे होते कि आखिरकार मानव को लेकर वह गुंडे लोग कहाँ पर रुके हैं हुए हैं। तभी इधर जो दिखाया जाएगा जो उसकी नानी जो होती है वह कहने लगती है कि तुम लोग जो है यहाँ पुलिस वालों को बुलाए हो, आपने देखा नहीं क्या नतीजा निकला मानो आकाश की बात को मानकर। तभी वहाँ पर जो कहने लगता है कि आप जो शांत हो जाओ, क्योंकि मैं जो है बात कर रहा हूँ ना। तभी वहाँ पर कॉल आ जाती है, तभी वहाँ पर वह बात करने लगता है। और इधर जो दिखाया जाएगा जो वह कहने लगता है कि आखिरकार मानो की जो है आवाज़ को सुनाता है वह गुंडा। तभी वहाँ पर मानो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वह कहने लगता है कि मेरे बच्चे से बात कराओ। तभी वहाँ पर मुक्ता भी रोने लगती है, वह भी कहने लगती है कि मुझसे भी बात कराओ, क्योंकि मुझे भी बात करना है, मानव को देखना है। मतलब वह अभी उदास हो जाते हैं, क्योंकि माँ जो होती है, क्योंकि माँ का प्यार जो है बहुत निराला होता है। तो आखिरकार इधर जो गुंडे लोग होते हैं तो आखिरकार वहाँ पे उससे बातें कर रहे होते। तभी वहाँ पर उसकी नानी जो होती है विष्णु कश्यप से फ़ोन को छीन लेती है। तो आखिरकार वहाँ पे उसकी नानी बातें करने लग जाती है, वह कहने लगती है कि तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें इतने जूते मारूंगी। तो उसकी नानी जो होती है तो उसे बहुत ज़्यादा डांटती और मारती और पीटती। तभी तो दिखाया जाएगा उसकी नानी जो होती है वह कहने लगती है कि आपने तो क्या कह दिया। तभी यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह कहने लगते हैं शांत रहो तुम लोग, क्योंकि हमने जो है उस लोगों का फ़ोन जो है ट्रैक्ट कर लिया है। क्योंकि तभी तो जो दिखाया जाएगा जो उसकी
नानी जो होती है वह बहुत ज़्यादा समझाने लगती है, वह कहने लगती है कि आप जो है इसके चक्कर में क्यों पड़े हो। तभी वहाँ पर मतलब वह कहने लगता कि हम तो तुमको घटिया समझते थे लेकिन आज तुमको डरपोक भी समझ लिया। तभी वहाँ पर फोन को ट्रैक कर लेते हैं वो लोग और वह कहने लगते हैं कि मुझको एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है, क्योंकि उन लोगों का पता चल गया कि वो लोग कहाँ हैं। तभी इधर जो दिखाया जाएगा जो आकाश जो होता है मीठे से कहने लगता कि अब एक कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो है तुमको मीठी को रानी को जो सौंपना पड़ेगा। तभी इधर जो दिखाया जाएगा जो आकाश जो होता है वह कहने लगता है कि हम जो है एक ही तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं होने देंगे उसको। क्योंकि तभी यहाँ पर उसकी अन्नी आ जाती है, अभी वह कहने लगती है कि हाँ जो है उसको जो है सौंपना पड़ेगा। तभी इधर जो दिखाया जाएगा जो अन्नी जो होती है वह मीठे से बातें करने लगती है। तभी इधर जो आकाश जो होता है वह अपने रूम से निकाल लेता है गन को, तो आखिर वहाँ पे वह जाता है बचाने के लिए रानी को। तभी यहाँ पर वह कहने लगता है कि मतलब उसको सभी लोग रोकने लगते हैं, तो आखिरकार इधर जो मीठी जो होती है वह भी कहने लगती कि हम कैसे दे दें उसको रानी को। तभी इधर जो दिखाया जाएगा जो अन्नी जो होती है वह कहने लगती कि तुमको देना ही पड़ेगा, कि आप जो है तपस्या की मतलब कि कहने लगती कि जो है आप निम्मा की बेटी हो। तभी इसकी माँ जो होती है तो आखिरकार वहाँ पे होती है। तभी तो जो दिखाया जाएगा जो अंबिका जो होती है वो अपनी माँ से कहने लगती है कि आखिरकार मीठी ने ऐसा कर किया है क्योंकि रानी की वजह से, क्योंकि आखिरकार हमारा भी बच्चा होगा, वह भी हमारे लिए कल जो है गुंडे उठा ले जाएंगे, रानी के लिए हमको उठा ले जाएंगे। तभी तो जो दिखाया जाएगा जो आकाश और अंबिका जो होते तो एक साथ में होते। तभी तो जो मौली जो होती है वह भी होती है, वह क्योंकि मीठी कि जो छोटी बहू जो होती है तो अंबिका मतलब, तो आखिरकार वह भी वहाँ से चली जाती। तो इधर दिखाया जाएगा जो मीठी जो होते और अन्नी जो होती, तो अन्नी मीठी को समझाने लगती है कि तुम कैसे रहा कर सकती हो, क्योंकि अपने बच्चे की खातिर तुमने मानव की ज़िंदगी को ख़तरा दे दिया। तभी इधर जो दिखाया जाएगा जो रानी जो होती है वह कहने लगती कि आखिरकार मैं किस्मत को बदल दूंगी। तभी यहाँ पर अन्नी जो होती है वह यह सबको सोचने लगती कि आखिरकार या तो मेरी पहले ही वाली बेटी है, क्योंकि छोटी सी बेटी, क्योंकि उसने भी ऐसा ही कहा था क्योंकि किस्मत बदली नहीं जा सकती, क्योंकि वह जो है विधाता ही लिखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? तो मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब।